तुला राशि वालों, 11 अप्रैल बृहस्पति बार का दिन कृतिका नक्षत्र में दिन की शुरुआत सूर्य और शुक्र का प्रभाव। सूर्य आपकी कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी है और शुक्र लग्नेश है। इस समय आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु के साथ बुध के साथ सूर्य और शुक्र का गोचर हो रहा है। राहु की उपस्थिति सूर्य के साथ जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव लेकर आएगा। अगर आप सोच समझकर काम करेंगे तो आपके काम भी सफल हो जाएंगे और तरक्की भी आपके जीवन में प्राप्त होगी। सूर्य का बुध के साथ गोचर करना आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। शुक्र का राहु के साथ गोचर करना जीवन में सुख देगा, लेकिन सूर्य राहु का एक साथ गोचर करना जीवन की परिस्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इसलिए आज हर काम को सोच समझ कर करें, सूझबूझ के साथ करें, तभी आपके जीवन में तरक्की भी होगी, धन संपत्ति भी बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल के साथ शनि का गोचर हो रहा है। मंगल आपके लिए धन भाव का स्वामी है, शनि पंचमेश है, जो आज मंगल के साथ आपकी कुंडली के लाभ स्थान को प्रभावित कर रहा है। दिन की जब शुरुआत होगी उस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति चंद्रमा का गज के श्री योग होगा, जिसके प्रभाव से आपकी कुंडली का लग्न प्रभावित होगा और आपके मान सम्मान भी बढ़ेंगे और दिन की शानदार शुरुआत जीवन में इच्छित परिणाम की प्राप्ति में आपकी मदद करेगा, धन संपत्ति को बढ़ाएगा और परिवार में ढेर सारी खुशियों का अवसर लेकर आएगा। 8:40 के बाद जब चंद्रमा बृहस्पति के धन भाव में गोचर करेगा और आपके धन स्थान पर जब चंद्रमा की दृष्टि होगी, चंद्रमा आपके लिए कर्म भाव का स्वामी है, जब धन भाव पर अपनी दृष्टि बनाएगा तो अपने कर्म से आप धन भी कमाएंगे, सुख संपत्ति भी अर्जित करेंगे। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ तरक्की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला शुभ दिन साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति बेहतर है। वहीं आपकी कुंडली में शुक्र का राहु के साथ गोचर और बुध का सूर्य के साथ युक्ति जीवन में विशेष से इच्छा को पूरा करेगा। आज का दिन ज़्यादा धन कमाना, ज़्यादा सुख पाना, तरक्की उन्नति सौभाग्य की प्राप्ति, अपने सपनों को पूरा करना बेहतर अवसर आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। थोड़े से सावधान रहे, थोड़े सोच समझकर काम करें तो आज आप अनेक प्रकार के सुख संपत्ति का भोग करेंगे। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 11 अप्रैल बृहस्पति बार का दिन चैत मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कृतिका नक्षत्र प्रीति योग में दिन की शुरुआत सूर्य और शुक्र के प्रभाव से आज आप प्रभावित होंगे। शुक्र सूर्य राहु और बुध की युक्ति आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्र की स्थिति बहुत ही मजबूत है, लेकिन सूर्य आज राहु के प्रभाव से थोड़ा कमजोर हो गया है। अगर आज आप सूझबूझ से काम करेंगे जीवन में सफलता पाएंगे, सोच समझकर काम करेंगे बहुत तरक्की उन्नति आपके जीवन में होगी। सावधानी से अपने जीवन में हर काम को करते जाएं, काम भी आपके सफल होंगे, जीवन में सुख फल की प्राप्ति भी होगी और किस्मत का साथ भी आपको प्राप्त होगा। दिन आपके लिए उत्साह को बढ़ाने वाला शुभ दिन साबित होगा। दो बातों का ध्यान रखें, राहु काल
दोपहर 1:58 से 3:34 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें और दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। अगर आज आप उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे या पूर्व दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाला साबित होगा। दिन सौभाग्य सुख का सुंदर अवसर प्रदान करेगा। सूर्य के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से आज आप प्रभावित हैं। 8:40 तक आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनेगा जो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ के अवसर प्रदान करेगा। 8:40 के बाद चंद्रमा बृहस्पति के धन भाव में चला जाएगा और आपकी जीवन में धन संपत्ति का सुंदर अवसर प्रदान करेगा। आज इच्छित सफलता पाने का सुंदर दिन है। अपने जीवन में तरक्की, उन्नति प्राप्त करने का बेहतर अवसर आपको प्राप्त होगा। आमदनी भी बढ़ेगी, समृद्धि भी बढ़ेगा। जीवन के विभिन्न कार्य आपके सफल हो जाएंगे। इच्छित सफलता की संभावना बनेगी। कार्य में आगे रहेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। चारों ओर सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज आपके काम काज को बल मिलेगा। कार्य की गति तेज होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिस्थिति आपके पक्ष में होगा और दिन तरक्की उन्नति भरा होगा। लेकिन सूर्य का राहु के साथ गोचर करना, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएं, लेन देन में ध्यान रखें, तभी आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी, सफलता की प्राप्ति होगी। दिन सुप्ता का संकेत दे रहा है, आपके विश्वास को मजबूत बना रहा है, क्योंकि आज बृहस्पति के धन भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। कार्य की गति अच्छी होगी क्योंकि आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है जिसमें बुध भी है, सूर्य भी है, राहु भी है और शुक्र का गोचर हो रहा है। आकर्षक अवसर प्राप्त होंगे। राहु के साथ शुक्र की युक्ति हो रही है। जीवन में आप लाभ उठाएंगे। बृहस्पति के धन भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। अनुकूल समय आपका होगा क्योंकि आज बुध के साथ सूर्य की युक्ति बन रही है। सफलता आपको मिलेगी। आपके जीवन में तेज गति से तरक्की होगी। ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है क्योंकि आज शनि के साथ मंगल का गोचर हो रहा है। सोच समझकर निर्णय करें। राहु सूर्य के साथ बैठा है। जीवन में अच्छे वातावरण देखेंगे। निरंतर आप आगे बढ़ेंगे। अपने अहंकार से बचें। राहु का बुध के साथ गोचर हो रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, कामयाबी, सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे। प्रेम संबंध में सुख बढ़ेगा क्योंकि शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहा है। चार ग्रहों का एक साथ गोचर करना आपके उत्साह, मनोबल को बढ़ाएगा। जीवन में सकारात्मक परिणाम का योग बनाएगा। आप बड़े प्रभावशाली होंगे। शुभ काम का सामर्थ्य बढ़ेगा। परिवार में सुख मिलेगा। परिवार में सुख शांति आप देखेंगे क्योंकि जब दिन की शुरुआत होगी उस समय चंद्रमा बृहस्पति का गज केसरी योग होगा। उसके बाद चंद्रमा बृहस्पति के धन भाव में गोचर करेगा जिससे सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होगा। कार्य में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बुध के साथ सूर्य का गोचर हो रहा है तो पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। सभी का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्यशाली परिस्थिति जीवन में लाभ लेकर आएगा। अपने विश्वास में, अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करके जीवन में जो भी शुरुआत करेंगे वो आपके सफल हो जाएंगे। समय आपके लिए शुभ है। तरक्की उन्नति का योग है। सिर्फ आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। संबंध में घनिष्ठता बढ़ेगा। कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। परिवार में सुख शांति से जीवन में खुशी भी महसूस करेंगे
और अपनी जिम्मेदारी को भी आप अच्छे से निभाएंगे। कामकाज की परिस्थिति में सुधार आएगा तो नौकरी व्यापार आपका अच्छा चलेगा। उम्मीद से अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे, सभी को प्रभावित करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। खुशी और उत्साह आपके जीवन में तरक्की का अवसर लेकर आएगा। आज अपने मन पर काबू रखें, भावुक ना हो, उपलब्धि पर फोकस बनाए रखें, धैर्य दिखाते रहें। महत्वपूर्ण कार्य अपने आप आपके पूरे हो जाएंगे। जीवन में आने वाली बहुत सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। इच्छित परिणाम का योग शुभ समाचार लेकर आएगा। साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला मंगल का शनि के साथ गोचर करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। श्रेष्ठ कार्य और इच्छित वस्तु आज आपके जीवन में खुशी देगा। उत्सव का वातावरण आपके जीवन में होगा। दिन उमंग को बढ़ाने वाला, सुख संपत्ति को देने वाला शुभ दिन है। ऐसे में आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, अपने कार्य को मेहनत से करते जाएं। मेहनत और योग्यता आपके जीवन में बेहतर परिणाम लेकर आएगा। दिन सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा और आपको बड़ा प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण कर रहा है। आज ये दिन आपके लिए तरक्की का है, सुख सौभाग्य समृद्धि का दिन है। दिन की शुरुआत सुबह 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होगा। रवि योग सुबह 6:00, अमृतकाल रात्रि 11:23 आपके लिए बेहतर साबित होगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:57 और विजयी मुहूर्त 2:30 खुशी और सुख देने वाला शुभ दिन साबित करेगा। राहु काल 1:58 से 3:34 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर रेड होगा और लकी नंबर 1 होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।